गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रुकस्टार और मैं हूँ रुकस्टार। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ पाकिस्तानी सूट्स के कलेक्शन। तो टोटल 5 ड्रेसेस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ और ये सारी मैंने ली हैं होलसेल मेगा मार्ट से। सो जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको होलसेल प्राइस पे मिलने वाली हैं गाइज, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के होने वाले हैं। और हाल फिलहाल में ना मैंने एक ब्लैक कलर का सूट आप लोग के साथ शेयर किया था, सो वो तो मुझे पता नहीं चला कि उन लोगों ने कहाँ से दिया था। दिस दैट वॉज फ्रॉम माई इन लॉज हाउस, तो उसी का ही सेम टू सेम मैंने यहाँ पर ये मंगवाया है। दिस इज़ फ्रॉम होल सेल मेगा मार्ट गाइज, सो इन सबको आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सो इनके सारे ही कलेक्शन को आप इनके वेबसाइट पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, सो आजकल सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या हो गया, आप लोग दिन रात क्या चलाते रहते हैं, आप लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स व्हाट्सएप गाइज। सो मैं आप लोगों को दे रही हूँ इनका व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट, जहाँ पर से आप ये सारे सूट्स शॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। जो भी सूट आपको लेना है ना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उस नंबर पे डायरेक्टली सेंड कर दीजिए बहुत ही आसानी से, और वहाँ पर आप चैट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से शॉप कर सकते हैं, प्लस इनकी इंटरनेशनल शिपिंग भी है। अगर आप 3-4 आइटम्स मंगवाते हैं या लाइक ड्रेसेस मंगवाते हैं तो दे शिप इंटरनेशनल ऑल्सो, सो वो सब कुछ आप लाइक चैटिंग करके पता कर सकते हैं। सो हेयर आई हैव माय ऑल ड्रेसेस गाइस, प्लस इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील भी शेयर किया था एंड वहां पर भी काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि ये वाला व्हाइट कलर का सूट मैंने कहाँ से लिया है। सो यस गाइस, दिस इज फ्रॉम होल सेल मेगा मार्ट। सो ये है वो सूट, फर्स्ट सूट इस तरीके का व्हाइट कलर का, एंड इसमें पूरे मेरा बीट्स का काम है, प्लस ये है इसका प्लाजो वाला पार्ट एंड ये है इसका दुपट्टा। तो मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ, इसका जो फर्स्ट पीस है वो मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच कर लिया है, बाकी सूट्स भी मैं धीरे धीरे स्टिच करूंगी, बट मुझे ये वीडियो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये सारे सूट्स आपको अनस्टिच्ड और सेमी स्टिच्ड रिसीव होंगे। सो पाकिस्तानी सूट जो होते हैं ना, उनमें लेसिस का काम, फ्रंट पे पूरा भरा हुआ काम एंड बाजुओं पे काम, इस तरीके का पैच वर्क होता है पूरे नेक पर, वैसा भी होता है, प्लस जो दुपट्टा होता है वो भी पूरा भरा हुआ होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगते हैं इस तरीके के सूट्स। सो ये है वाइट कलर का एंड वाइट कलर इज़ माय मोस्ट फेवरेट कलर, सो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव सा कलर होता है ये, सो इसलिए मुझे ऐसे कलर्स पसंद हैं। सो ये गाइज फर्स्ट सूट है कुछ इस तरीके का, इसका जो नेक है ना, नेक पे एक पैच लगा हुआ था वो मैंने निकाल दिया और नेक पर मैंने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है। आपको इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मेरे मेन चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे किया था, सो उसका भी लिंक आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने ये बीट्स के साथ कैसे कम्प्लीटली बनाया है, तो ये मैंने नेक यहाँ पर क्रिएट किया था। और इसकी कढ़ाई देखें आप ज़रा करीब से, इस तरीके से इसकी कढ़ाई पूरी होकर आई थी, प्लस इसमें जो मोतियों का काम है ना, ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक ओरिजिनल की तरह इसमें बिल्कुल वर्क किया गया है। बट आपको जो पैसे देने हैं वो ड्यूप वाले ही देने हैं। देखिए इसमें पूरे में सीक्वेंस का काम है, हल्का हल्का सा चमकेगा भी, और पूरे में ये असली रियल मोती लगे हुए हैं, प्लस ये मोती इतने अच्छे तरीके से लगे हैं ना, मैं आपको एक बार बैक से दिखाती हूँ कि कितने स्टर्डी तरीके से ये मोती लगे हुए हैं। ये देखिए पीछे बिल्कुल अच्छे से ये सारे ही मोतियों को ना एकदम स्टर्डी तरीके से लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 मोती लगे हुए हैं, ये अंदर वाली साइड की तरफ है, प्लस इसके साथ मुझे लाइनिंग अच्छे से रिसीव हुआ था जो कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पर लग गया था, और यहाँ पर इतना खूबसूरत सा ना लेस का डिज़ाइन दिया हुआ था। ये देखिए ऑलरेडी पूरा ऐसे अनस्टिच सूट मुझे रिसीव हुआ था, इस वाली लेस की आप फिनिशिंग देख रहे हैं कितना ज़्यादा एकदम रॉयल सा लुक दे रहा है, और काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग है इस लेस के अंदर। सो बैक वाला पार्ट आपको यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से प्लेन मिलता है, और मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ प्योर जॉर्जेट एंड बहुत ही सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है। ये देखिए पकड़ने में भी बिल्कुल हल्का सा लग रहा है, और इसके साथ मुझे लाइनिंग अगेन बता रही हूँ रिसीव हुई थी। सो ये है इसके स्लीव्स पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा काम था, पूरी स्लीव्स पर ऐसे पूरा भरा हुआ था, प्लस ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्लीव्स थी और मुझे इसके आगे इस तरीके की लेस लगाना था, तो मैंने इसको बीच वाला जो पार्ट था ना उसको थोड़ा सा काट कर यहाँ पर लेस लगा दिया है। ये देखें
ये जैसे नेक पर लेस लगा था वैसे यहाँ पर लेस लगा दिया है, और जो भी काम था ये पहले से इस पर सूट पर ऑटोमेटिकली हो करके आया था। सो ये है इसका सूट ओवरऑल जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी था गाइस, लेकिन ये देखें इस तरीके का, ये है इसका प्लाजो। अच्छा प्लाजो मोस्ट ऑफ द सूट्स अगर बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो प्लाजो बिल्कुल प्लेन होता है या फिर प्लेन कपड़े का होता है, तो मैंने जो वेयर किया था उन्होंने वाइट पैंट करी थी, बट इसके साथ मुझे ये रिसीव हुआ था। ये भी एकदम चमक वाला कपड़ा है, शैंटून बोलते हैं इसको। सो चमक वाला कपड़ा है, क्रीमिश टाइप ऑफ कलर है इसका, नीचे इस तरीके का इस पर देखिए डिजाइनिंग है पूरे पर, विच लुक्स वेरी प्रिटी। और सूट के ना एक कढ़ाई है उससे काफ़ी ज़्यादा मैची मैची सा इस पर डिज़ाइन है, तो इससे आप इसका प्लाजो बना सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था सो मैंने इसलिए प्लेन वाइट पैंट पहन ली है। आप वाइट पैंट भी पहन सकते हैं या आप चाहें तो इसका कुर्ता भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर आप इसका प्लाजो ना बना करके, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाला कपड़ा है तो आप इसको एज अ कुर्ती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसके नीचे वाइट पैंट लगा करके, बट अगर आप इसको सूट के साथ पेयर अप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ये है इसका प्लाजो एंड इसके साथ दुपट्टा, बहुत ज़्यादा प्यारा कॉम्बिनेशन है, मेहरून टाइप ऑफ दुपट्टा मिला है जो कि नेट का दुपट्टा है। नेट के दुपट्टे पर ऑल ओवर आप देखेंगे ना इस तरीके का पूरे में बूटियों बूटियों जैसा काम है, और इसके फोर कॉर्नर्स पे इस तरीके की ये लेस लगी हुई है, बहुत ही फिनिशिंग से लगी है लेस का ये देखें इसके कोनों पर। सो ये पूरा ऑल ओवर नेट का दुपट्टा है, तो जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तानी सूट्स के जो दुपट्टे होते हैं वो भी पूरे भरे हुए होते हैं, सूट भी बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं, प्लस ये इसके प्लाजो पे भी आपको डिजाइनिंग मिल रहा है। नेक्स्ट मैं आपको ये ब्लैक वाला सूट दिखाती हूँ, और सारे ही ड्रेसेस मुझे इस तरीके के चेन वाले बैग में रिसीव हुआ है, तो आप स्टिच करके इसको दोबारा से इसमें वापस से पेयर अप कर सकते हैं। सो एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा। ये देखिए ये इसका सूट है, ये इसका प्लाजो है, प्लाजो पर भी पैच वर्क है एंड दुपट्टे पे भी यहाँ पर साइड में पैच वर्क है। सो लेट्स सी कि सूट कैसा आता है। इसके गले पे आप देखेंगे ना छोटा सा सीक्वेंस का भी काम है, और ओरिजिनल जो सूट है वो है हमारे पास ये, देखने में तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड ब्लैक कलर है। यस इसके नेक पर इस तरीके का सीक्वेंस का काम है, यस दिख रहा है, तो ब्लैक में वैसे ना शेडो आता है, हल्का सा सीक्वेंस का शेडो आता है तो बहुत ग्लैमरस सा लुक आता है इसका। ओके सो ये मैंने ओपन किया, आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। ये देखें ये इसका दुपट्टा है, और इसके ही अंदर की तरफ इसका प्लाजो दिया हुआ है गाइस। तो ये है इसका सूट, इसके सूट के नेक पर आप देखेंगे ना इस तरीके का पूरे में सीक्वेंस का काम है, और नीचे वाले साइड पर बहुत ही अच्छी वाली कढ़ाई है, एकदम रेड और जरी के काम वाली रेशम का कढ़ाई है गाइस। जो आप धागे देख रहे हो ना रेड एंड पिंक, वो रेशम का है, और जो गोल्ड है वो पूरा जरी का है। सो ये देखिए करीब से मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके का आपको बॉटम पर डिजाइनिंग मिलेगा, ऐसे आपको खड़े खड़े से यहाँ पर फूल मिलते हैं, ये देखिए इस तरीके के, और बॉटम पर भी थोड़े से सीक्वेंस का काम है। अच्छा ये जब शेडो मारता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना, ये इसका बॉटम वाला पार्ट है, तो जैसा हमें फोटो में दिखाया गया था ना बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आपको रिसीव होगा, और ब्लैक कलर तो वैसे भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। बैक आपको यहाँ पर बिल्कुल प्लेन मिलता है, ये भी अगेन जॉर्जेट का मटेरियल है, स्लीव्स पर भी इस तरीके की ये पूरी कढ़ाई मिल रही है, इन कढ़ाई भी आप देखेंगे ना बिल्कुल दबी हुई है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा खराब नहीं है या फिर कहीं से ऐसे खराब वाली कढ़ाई नहीं हो रखी है, बैक से देख सकते हैं आप अच्छे से फिनिशिंग है। दोनों स्लीव्स पर आपको इस तरीके का पूरा सेम एज इट इज काम मिल रहा है, और इसके साथ अलग से आपको पैच भी मिल रहा है जो कि आप अपने प्लाजो के बॉटम पर लगा सकते हैं। सो इसके साथ आपको यहाँ पर ये 4 मीटर का एक्स्ट्रा कपड़ा मिलेगा गाइस, ये देखिए ये पूरा 4 मीटर का कपड़ा है जो कि 2 मीटर में आपका सूट का लाइनिंग बन जाएगा और 2 मीटर में आपका प्लाजो बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का अगेन ये पूरा ही फैब्रिक दिया हुआ है, प्लस इसके साथ आपको ये 2 पैचेस मिलते हैं, ये देखें ये कुछ इस तरीके के पैचेस हैं जो कि आपके प्लाजो पर अटैच होंगे, ये देखिए बहुत ज्यादा सुंदर से पैचेस हैं, और इसमें भी काफी अच्छे से फिनिशिंग दिया हुआ है, लुक एट द फिनिशिंग गाइस, सी एकदम अच्छे से फिनिशिंग दिया हुआ है जो कि आपके प्लाजो पे लगेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी सूट्स जो होते हैं ना उसके जो काफी सारे पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो जब ये बन के आता है ना पूरा तो और ज्यादा सुंदर लगता है, अभी देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये ब्लैक वाला,
मैंने ब्लैक क्यों नहीं सिल लिया यार अपने लिए, मतलब सीरियसली ब्लैक मुझे व्हाइट से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए बहुत ज्यादा प्रेटी है। ओके, इसका दुपट्टा भी आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये है इसका दुपट्टा जो कि प्लेन ब्लैक है और इसके फोर बॉर्डर्स पर इस तरीके का ये पैटर्न मिलेगा, लाइक पतली सी लेस है। और ये भी आपको नेट का मिलता है, तो ज़्यादातर जो भी सूट्स हैं उनके साथ नेट का ही दुपट्टा होता है। इवन ये वाले के साथ भी नेट का दुपट्टा था, तो वेयर करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक अगर आपका सूट पूरा भरा हुआ है तो आपको दुपट्टा हल्का सा प्लेन में दिया हुआ है यहाँ पर। सो ये हो गया हमारा ब्लैक वाला सूट, A1 सूट है गाइस। ब्लैक वाले को तो मेरा दिल आ गया, उन्होंने ब्लैक क्यों नहीं सिला। बट एनी वे, सारी चीज़ें अपने अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं। नेक्स्ट है मारिया बी का कलेक्शन। सो मारिया बी जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा जाना माना ब्रांड है और इसके सारे ही सूट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। ऑफकोर्स इट्स अ ड्यूप गाइस। सो ये भी मैं आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से है, इसका जो फोटो है वो आप लोग के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ कि ये रेडी कैसे होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बहुत ही लॉन्ग सूट है। अगेन नेट का ही दुपट्टा है इसके साथ और यहाँ पर इस तरीके से बीड्स वगैरह लगे हुए हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है ना आपका पूरा चेस्ट वाला पार्ट, वहाँ पे पूरे में अच्छे से कढ़ाई हो रखी है बिल्कुल। तो लेट्स सी कि हमें कैसा रिसीव हुआ है। ओके, हाँ एक चीज और नहीं बताया मैंने आपको, इसमें डबल शेड है, ऊपर पीच शेड है, नीचे की साइड पे हल्का सा ग्रेइश एंड ब्राउनिश शेड है। तो वैसा ही मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, ग्रेइश एंड पीच। ओके, सो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये है इसका दुपट्टा गाइस, अलग से दिया हुआ है पैक करके। ओके, ये है इसका ऊपर वाला पार्ट, लाइक जो ऊपर वाला पार्ट था पूरे नेट पर काम है। सच में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ओके, ये अगेन आप देखेंगे तो डबल शेड का है, ऊपर पीच एंड नीचे इस तरीके का शेड। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो फैब्रिक है वो नेट का है, बाकी भी जो मैंने दो दिखाए हैं उनका जॉर्जेट फैब्रिक था। इसका नेट का फैब्रिक है, बहुत ही महीन वाली कढ़ाई हो रखी है रेशम के थ्रेड से। और इसके ऊपर भी ना ऐसे ही ये मोती लगे हुए हैं, छोटे छोटे से बीड्स लगे हुए हैं पीच कलर के। एंड नीचे आप आएंगे तो ग्रेइश सा कलर आपको मिलता है बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न्स में। एंड नीचे की साइड पे भी आपको ये कढ़ाई मिलती है एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये, सीरियसली बिल्कुल पैरों तक जाएगा जैसे कि आपके फोटो में शो हो रहा है। सो ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा प्रिटी आएगा। बैक साइड बिल्कुल आपको यहाँ पर ये देखें बिल्कुल प्लेन मिलता है, प्लेन स्लीव्स पे भी पूरे पे अच्छे से काम है पूरा। देखिए आप ये जो मोती लगे हुए हैं ना बिल्कुल स्टर्डी तरीके से लगे हुए हैं, एकदम दबा हुआ लगा हुआ है, बिल्कुल लोहा जो है ना इस साइड की तरफ से दबा हुआ है। तो ये चीज़ एकदम मतलब निकलेगी नहीं, आप मशीन वॉश करें, हैंड वॉश करें, कैसे भी धुल लें, बिल्कुल भी ये हटने नहीं वाले हैं मोती। तो ये इस तरीके से लगाए हुए हैं, जो अभी तक आपने अगर ध्यान दिया हो तो नगों का काम आता था ज़्यादातर, बट ये पाकिस्तानी सूट्स होते हैं तो इनमें थोड़ा सा ना मोती का ऐसा भरा हुआ सा जरकन वाला काम होता है। ओके, सो इसके साथ आपको ये लाइनिंग मिल रहा है, प्लस इसमें आपको इसका जो बॉटम होता है ना प्लाजो वो भी आपको इसी में मिल रहा है अलग से। सो ये भी आप देख सकते हैं फोर लेयर्स है, 1, 2, 3 और ये लास्ट वन 4। तो 4 लेयर आपको मिले, मीन्स 4 मीटर आपको पता मिल रहा है, 2 मीटर आपकी लाइनिंग मिल जाएगा, 2 मीटर आपके प्लाजो पर भरे। इसका जो दुपट्टा था वो ऐसे पैक होकर आया है, तो मैं ओपन करके तब दिखाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी। ओके, इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही सॉफ्ट नेट वाला मटेरियल है। सो जैसा कि अभी मैं छू रही हूँ, काफ़ी ना सॉफ्ट टाइप ऑफ लग रहा है मुझे। ये देखिए इसके दुपट्टे पे भी इस तरीके का ऑल ओवर आपको कढ़ाई मिलेगा, दुपट्टे के दोनों साइड्स पर इस तरीके की ये कढ़ाई हो रखी है। और इसका अगर आप साइज देखेंगे ना तो यहाँ पर छोटा है, लाइक 1.25 मीटर तक आपको मिलेगा, मतलब 1.25 मीटर नहीं, 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है ना वो वाला। इसके साथ आपको अलग से ये पैच मिल रहा है, तो इसको हम बीच में से ना अलग करेंगे और दुपट्टे के दोनों साइड्स पर, एक इस वाली साइड पर, एक इस वाली साइड पर अटैच होगा ये। ये देखिए इसका जो दुपट्टा है ना पूरा नीचे इस तरीके का वर्क है, ये वाला वर्क है। सो ये दुपट्टे के दोनों साइड्स पर, इस साइड पर एंड इस साइड पर अटैच होगा। ये देखिए दुपट्टे के इस वाली साइड की तरफ ये आपका ऐसे अटैच हो जाएगा, मतलब सिंपली सिलाई लगकर ये
ऐसे आ जाएगा तो काफी हैवी भी हो जाएगा आपका दुपट्टा एंड ब्यूटीफुल भी लुक आएगा काफी ज्यादा आपके दुपट्टे में। आप चाहे तो ना वो हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं, पाकिस्तानी सूट्स में काफी हैंगिंग्स वाला काम काफी ज्यादा होता है, तो आपके स्लीव्स पर अगर हैंगिंग आते हैं, आपके दुपट्टे पे अगर हैंगिंग्स आते हैं तो वो काफी सुंदर लगता है। एंड नॉर्मली लटकन्स भी आप लगा सकते हैं, किसी भी लेस शॉप में आराम से हैंगिंग्स या फिर लटकन्स मिल जाते हैं गाइज। सो ये हो गई हमारी थर्ड सूट की बात, पीच एंड बहुत ही अलग एंड स्टाइलिश सा सूट, कथ का कलर भी है, काफी ज्यादा सिंपल है अगेन व्हाइट कलर का। सो ये भी मुझे ऐसे ही सारे ही सूट्स ऐसे ही पैकिंग में मिले थे। ये ना तो नेट है और ना ही है ये जॉर्जेट, ये सेंटून फैब्रिक है, देखिए इस तरीके का सतरंगी सा कलर है इसका। सो ये भी मैं आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ, ये थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल लग रहा है मुझे। और ये है इसका दुपट्टा गाइज, नेट का दुपट्टा है, इसका भी एक बार फोटो दिखा देती हूँ। आई थिंक ये मैंने ना इंस्टाग्राम पे ऐसे सूट्स देखे थे पहले, ये देखें इस तरीके का सूट है पूरा व्हाइट कलर का, नेट का अगेन इसमें दुपट्टा है एंड बॉटम पर इसकी डिजाइनिंग है। ओके और इसके प्लाजो पे भी डिजाइनिंग है हल्का फुल्का सा। सो लेट्स सी कि ये हमें कैसा रिसीव हुआ है। ओके तो ये बिल्कुल शेंटून मटेरियल है, इसमें आपको लाइनिंग लगाए ना लगाएं इतने ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। इसके फ्रंट एंड बैक पार्ट पे दोनों पे पूरा काम मिलेगा, देखिए हल्का सा ना चमक वाला कपड़ा है, ये काफी ज्यादा इन ट्रेंड है, चमक वाला जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा इन ट्रेंड है। ये देखिए छोटी छोटी बूटी आपको दिख रही है ना पूरे में मिलेगी, और नीचे वाले साइड पर इस तरीके की कढ़ाई है, बहुत ही दबी हुई सी कढ़ाई है, प्लस फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड पर आपको ये ऐसा काम मिल रहा है, ये देखें बॉटम पर। तो ये काफी ज्यादा सिंपल येट अट्रैक्टिव लगने वाला सूट है, इसके स्लीव्स पर आपको इस तरीके का काम मिल रहा है, प्लस बॉटम पर ऐसी लेस है लटकन वाली, और पूरे में ना छोटे छोटे से बीड्स हैं, बहुत ही दबा हुआ सा रेशम का काम है। जब बाजू पे कोई कढ़ाई आती है ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब काफी भरा हुआ सा सूट लगता है वो। सो इसके दोनों साइड्स पर आपको ऐसे मिल रहा है, प्लस फ्रंट और बैक भी आपको दोनों भरे हुए मिल रहे हैं। इसकी जो कढ़ाई है ना नीचे की वो देखें आप, ये देखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाली कढ़ाई है, लाइक इसमें पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, तो आप इसके साथ ग्रीन कलर की ज्वेलरी, पिंक कलर की ज्वेलरी, कैसी भी ज्वेलरी पेयर अप कर सकते हैं। लाइक इस टाइप की ज्वेलरीज मोस्ट ऑफ द पीपल के पास होता है, इवन आप इसके साथ गोल्डन तो सबके पास होगा, तो गोल्डन भी कैरी आउट कर सकते हैं। इसमें आपको 2.25 मीटर यानी कि 2.25 मीटर का कपड़ा मिलता है, जो जिससे आप अपनी सलवार बना सकते हैं, इवन आप अपनी प्लाजो भी बना सकते हैं। तो जैसा कि इसके प्लाजो पर दिया हुआ था कि आप इसके बॉटम पर कुछ लगा सकते हैं, तो ये इसके बॉटम पर लगाने के लिए आपको अलग से पैच दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर आपको अलग से ये वाला पैच भी दिया हुआ है। दिस लुक्स वेरी प्रिटी गाइस, लुक बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, ये देखें इस तरीके का पैच आपको ये मिलता है, जो कि आप इसके प्लाजो पर अटैच कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो यस गाइस, इसके फोटो पे कुछ क्रिस क्रॉस जैसा प्लाजो पे डिजाइनिंग है, तो उसी के लिए आई थिंक आपको ये वाला पैच दिया हुआ है, प्लस इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसके स्लीव्स के बॉटम पे भी और प्लाजो के बॉटम पर भी, और ये काफी ज्यादा है तो आप अच्छे से मतलब अच्छे से लगा सकते हैं। एंड इसका दुपट्टा वाज सो प्रिटी, लाइक ये जो गोटे वाला काम होता है ना, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, ये समथिंग पंजाबी स्टाइल में भी आ रहा है आई थिंक सो। सो ये इसके ये नेट का दुपट्टा है गाइज, और इसके पूरे नेट के दुपट्टे पे ऐसे स्ट्रेट लाइन्स हैं। सो इसमें छोटे छोटे से पूरे में सितारे लगे हुए हैं, और ऐसा पूरे में कढ़ाई हो रखी है, ये कढ़ाई है कोई प्रिंट नहीं है, ये काफी दबी हुई सी इस कढ़ाई हो रखी है इस पर, एंड फोर कॉर्नर्स पर इस तरीके का गोटा का काम है। सो ओके, तो ये काफी ज्यादा सुंदर एंड बेस्ट मटेरियल मुझे लगा दुपट्टे के लिए। ओके नेक्स्ट एंड जो लास्ट सूट है वो इस तरीके का है, और मेरी मम्मा का दिल आ गया था इस कलर पे, शी वाज लाइक ये कलर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, यहाँ से आपको कलर दिख रहा होगा, तो उन्होंने कहा ये वाला अपने लिए मत बनाना, ये मेरे लिए बना देना। मैंने कहा ठीक है मम्मा ठीक है। तो ये है इसका फोटो लुक, प्रॉपर पाकिस्तानी सूट लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वाला पाकिस्तानी सूट, पूरे पे फ्रंट पे कढ़ाई है, दुपट्टे पे कढ़ाई है, इवन प्लाजो पर भी पैच दिया होगा हमें डेफिनेटली। ये इस तरीके का स्ट्रेट सूट है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम पाकिस्तानी स्टाइल वाला सूट,
ये जॉर्जेट मटेरियल है, छूते ही पता चल गया मुझे। वाओ सीरियसली बहुत ज्यादा सुंदर कलर है इसका, सो प्रिटी गाइज, लुक एट द कलर, एकदम पर्पल स्टोन का कलर है, बिल्कुल पर्पल भी नहीं है, मॉफ भी नहीं है, अलग सा ही कुछ कलर है ये। लेट मी ओपन इट। पूरे पर इस तरीके का वर्क है, ऑल ओवर पूरा भरा हुआ सा काम है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल कढ़ाई हो रखी है पूरा फ्रंट, मतलब ऊपर से लेके पूरा नीचे तक। ज़्यादातर जो इस तरीके के सूट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और इसकी फिनिशिंग देखें आप, अगर आप कहीं दुकानों पे भी लेके लेने जाएंगे ना तो 2000 से कम कोई भी नहीं देने वाला इतने अच्छे मटेरियल के लिए। लुक एट द फिनिशिंग, मतलब एम्ब्रॉयडरी की भी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है। ये देखें इसमें डार्क पर्पल, पिंक एंड लाइट पर्पल का काम है, कहीं कहीं पे सीक्वेंस का भी काम है जो कि हल्का हल्का सा ना चमकता है, मतलब शेडो मारता है, देखें तो बहुत ज़्यादा प्रिटी सा लुक आता है। बैक आपको यहाँ पर बिल्कुल प्लेन मिलेगा गाइज। प्लाजो ये यहाँ पर आपको 4 meters का कपड़ा मिलता है और ये भी अगेन कुछ ग्रे स्टोन में आ रहा है। और इसके साथ आपको ये प्लाजो पर लगाने के लिए पैच मिल रहा है, जैसे कि आपको फोटो में रिसीव होता है। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर पाकिस्तानी ड्रेस, पाकिस्तानी सूट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ये अलग से पैच मिलता है जो कि आप अपने प्लाजो पर अटैच कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे मैंने आपको स्लीव्स नहीं दिखाई क्योंकि आपको स्लीव्स ये मिल रहे हैं, ये है आपके स्लीव्स, ये फ्रंट स्लीव, वो सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड स्लीव। तो ये आपके काफी ज्यादा ना यहाँ एल्बो तक, यहाँ तक बनेगी ये स्लीव। ये देखें आसानी से हम पूरी स्लीव्स पर अच्छी खासी कढ़ाई है, ये देखें इस तरीके की अच्छी खासी कढ़ाई है। तो मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये वाला सूट भी, इवन ब्लैक वन, एंड दिस वन इज गोना बी माई फेवरेट सूट है। इसका दुपट्टा, दुपट्टे के भी 4 sides पर लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, वेरी ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी गाइज। ये देखें इसके कॉर्नर्स पर इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है एंड बीच में छोटे छोटे से बूटी वाले काम है एंड साइड में ऐसे है। और निचली साइड पर यहाँ पर आपको कोई बॉर्डर नहीं मिलता, यहाँ पर आपको पीको करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई फिनिशिंग नहीं हो रखा है, यहाँ पर आपको पीको करवाना पड़ेगा। एक ही दुपट्टा निकला है जो कि नाजनीन टाइप ऑफ फैब्रिक का है, बहुत ही सॉफ्ट वाला कपड़ा है ये। ओके सो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे सारे सूट्स की कलेक्शन आज। और इनको आपको कैसे शॉप करना है, जो भी सूट आपको पसंद आया हो जस्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए वहाँ और व्हाट्सएप पे जाकर सेंड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको और भी सूट्स, पाकिस्तानी सूट्स देखने हैं तो नीचे मैं इनके ऐप का लिंक दे रही हूँ, डायरेक्टली वहाँ पर जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है एंड आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं किसी भी ऐप को, जैसे आप सिंपली देखते हैं किसी भी ऐप पर तो आप वहाँ से सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी रेंजेस हैं इनके पास। अगर आपको ऐसे और कलेक्शन देखने हो या फिर होलसेल मेगा मार्ट के और भी सूट्स के कलेक्शन देखने हो तो नीचे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ जहाँ से आप इजीली शॉप कर सकते हैं, लाइक अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।